हेलो, मैं सर डॉक्टर प्रियंका और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंटल सेंसिटिविटी के ट्रीटमेंट के बारे में। यानी ऐसे पांच कौन से इफेक्टिव ट्रीटमेंट हैं जिसकी वजह से हमें हमारे दांतों में झनझनाहट होने से रिलीफ मिल सकता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट ट्रीटमेंट की और जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। डेंटल सेंसिटिविटी आपके एक प्रोटेक्टिव लेयर इनेमल के हटने की वजह से आपको होती है, यानी आपके दांतों में झनझनाहट जो है वो उस लेयर के हटने की वजह से होती है। तो डेंटिस्ट एक फ्लोराइड एप्लीकेशन करते हैं, टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लोराइड का जो जेल है वो आपके दांतों के ऊपर वो प्रोटेक्टिव लेयर वापस बनने में मदद करता है, और जब तक वो लेयर नहीं है उस लेयर की जगह पे वो काम करता है। यानी जैसा इनेमल लेयर आपके दांतों के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखती है, आपको झनझनाहट से बचाती है, तो फ्लोराइड जेल भी आपके लिए वही काम करता है। फ्लोराइड जेल की एप्लीकेशन हमें दांतों में कीड़ा लगने से भी बचाती है, दांतों में झनझनाहट होने से भी बचाती है। तो आपको साल में ये दो बार अगर आप एप्लीकेशन ले रहे हैं तो आपको टूथ सेंसिटिविटी से काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। दूसरा हमारा ऑप्शन है, अगर हमें दांतों में सेंसिटिविटी झनझनाहट हो रही है, अगर हमें थोड़ी कैरीज लगने की वजह से झनझनाहट है या दांतों में कीड़ा लगने की वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, तो हम उससे बच सकते हैं दांतों में फिलिंग करवा के या फिर दांतों में एक बॉन्डिंग एजेंट लगवाते हैं। जैसे हम दांतों में बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डेंटिन के जो ट्यूब्यूल्स हैं जिसकी वजह से आप कुछ भी ठंडा या गर्म खा रहे हो वो सेंसेशन आपकी नर्व्स तक पहुँच रहे हैं, तो जो बॉन्डिंग एजेंट है हम उस वो आपके उन ट्यूब्यूल्स को सील कर देता है, जिसकी वजह से आपको वो सेंसिटिविटी आपके महसूस नहीं होती। यानी कुछ भी ठंडा गर्म लगने से पहले वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से दांतों में वो झनझनाहट नहीं होती है। तो हमारा दूसरा इलाज था बॉन्डिंग एजेंट और फिलिंग करने से हम लोग हमारे दांतों को झनझनाहट से बचा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे ट्रीटमेंट की तरफ। तो तीसरा ट्रीटमेंट है, अगर कई बार हमें झनझनाहट होती है, अगर हमारे दांतों में एड्रिजन हो गया है। एड्रिजन कई बार होता है कि जैसे लोगों को दांत पीसने की ज़्यादा आदत है, या फिर लोग रात को सोते समय कई लोगों की आदत होती है दांत पीसने की, जिसकी वजह से आपकी जो ऊपर की लेयर है वो हटने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स को हम लोग देते हैं नाइट गार्ड, जिससे नाइट गार्ड पहनने की वजह से अगर रात को वो दांत घिस रहे हैं तो उनके दांतों के बीच में नाइट गार्ड होता है, तो वो अपने दांत नहीं घिसते हैं और उनके ऊपर की लेयर वो रिमूव नहीं होती है। अगर ऊपर की लेयर रिमूव नहीं होगी तो आपको टूथ सेंसिटिविटी भी नहीं होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं चौथे ट्रीटमेंट पे। चौथा ट्रीटमेंट है आरसीटी। आरसीटी तब करते हैं जब आपके दांतों में कीड़ा काफ़ी लग गया है या आपको झनझनाहट आपकी नर्व्स की वजह से हो रहा है। तो नर्व्स की वजह से अगर आपके जो डेंटल पल्प है अगर उधर तक कीड़ा लग गया और आपको बहुत तेज़ सेंसिटिविटी हो रही है, और ये अगर आपके लिए कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं है या फिर ये कोई भी ऑप्शन आपको करके आपको सेंसिटिविटी रिलीफ नहीं कर सकते, तो उस पर्टिकुलर टूथ में हम लोग आरसीटी कर देते हैं। आरसीटी करने के बाद आपको आपके दांतों में झनझनाहट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो आपके पास ये चौथा ऑप्शन है कि अगर आपके ये तीनों ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग आपके लिए आरसीटी भी कर सकते हैं, या आरसीटी भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है टूथ सेंसिटिविटी से बचने का। अब हमारे पास जो पांचवी प्रॉब्लम रहती है या पांचवी दिक्कत रहती है वो है कि अगर आपके गम रिसेशन हो गया है, यानी मसूड़े जगह छोड़ के नीचे आ गए हैं जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो रही है, तो उन केसेस में हम लोग जिंजाइवल ग्राफ्टिंग करते हैं यानी गम सर्जरीज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो मसूड़े नीचे गए हैं उसका थोड़ा सा पार्ट कट करके हम उसको ऊपर ले आते हैं, जिसकी वजह से आप टूथ सेंसिटिविटी से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाते हैं। तो ये पांच इलाज आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आप टूथ सेंसिटिविटी से बच सकते हैं, यानी दांतों में झनझनाहट होने की वजह से आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि अगर आप हमारे आसपास कहीं रहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। थैंक यू।